हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे एक ऐसी देश जिसको कैपिटल ऑफ बिलियनरी कहा जाता है। उस देश पे ना इनकम टैक्स देने को पड़ते ना ही कॉरपोरेट टैक्स। इस धरती का कुबेरों ने रहने के लिए खूब चाहते हैं, लेकिन इसमें रहने के लिए अब जगह खूब कम है। ऐसी एक देश को आप जानना चाहते तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिए। देश का नाम है मोनाको, वर्ल्ड का सबसे छोटी देश। वाटिकन सिटी के बाद इन्होंने छोटी देश की लिस्ट में नंबर 2 पे रहा है। इसका पॉपुलेशन है ओनली 37,000, 1.95 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल विशिष्ट ये एक छोटी देश है। मोनाको को धनाढ़ियों का राजधानी भी कहा जाता है। इसका 1/3 पीपल एक बिलियनरी है। इस देश के नागरिकों ने इनकम टैक्स नहीं देते हैं। इस देश का सी बीच दुनिया की सभी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। फ्रांस की भूमध्य सागर के साइड में मोनाको अवस्थित है। मोनाको की रोड बहुत वाइडेस्ट एंड ऑलवेज क्लीनलीनेस है। इसका यच रेसिंग एंड कार रेसिंग बहुत खूब चर्चा में आते हैं। उस देश के नागरिकों ने एक जगह से दूसरी जगह को जाने के लिए कार नहीं बल्कि हेलीकॉप्टर यूज करते हैं। दुनिया का सबसे चर्चित कैसिनो यहीं पे है। सबसे छोटा कर विशिष्ट जगह पे ज्यादा लोग रहने वाले देश ये है मोनाको। इसको पूरी धरती का धनाड़ियों का प्लेग्राउंड भी कहा जाता है। पृथ्वी का सारी धनाड़ियों यानी बिलियनरी ट्रिलियनरी लोगों ने उनका सपना होता है इस देश में रहने के लिए, क्योंकि इस देश के टैक्स कोई नहीं लेते। टैक्स बचाने के लिए पृथ्वी का सारी धनाड़ियों ने इसमें रहने के लिए चाहते हैं। एक रिपोर्ट से जाना जाता है कि अब तक करीबन 16,000 मिलियनरी इस जगह पर रहने के लिए चाहते हैं, लेकिन अब इस पे कोई जगह नहीं बचा है। गृह निर्माण के लिए अब तक कोई भी जगह इसमें नहीं बचा हुआ है, इसलिए इसका राजा प्रिंस अल्बर्ट 2 इस समस्या को लेकर एक योजना प्रस्तुत की है। समुद्रों में घर बनाने के लिए अब सोच रहे हैं। $2.3 बिलियन का प्रोजेक्ट अब प्लानिंग चल रहा है। मोनाको की समुद्रों में 15 एकड़ की जगह अब प्रस्तुत है, जिसपे 30 जहाज रहने के लिए एक फोर्ट है और एक पार्क एंड 200 घर बनाने के लिए एक प्लानिंग चल रहा है। मोनाको के समुद्रों में 15 एकड़ की एक जगह भी प्रस्तुत चल रहा है, लेकिन समुद्रों में जगह बनाना इतना आसान नहीं है। एक फ्रेंच कंपनी को इस प्रोजेक्ट का संपूर्ण भार दिया गया है। कहा जाता है इसका बैड इफेक्ट एनवायरनमेंट में जरूर पड़ेगा। प्रिंस अल्बर्ट 2 विश्वास करते हैं इस प्रोजेक्ट को बहुत केयरफुली में करना पड़ेगा, नहीं तो इसका बैड इफेक्ट हमारे परिवेश के ऊपर जरूर पड़ेगा। तो समुद्र में जगह बनाने का काम मोनाको के लिए ये नया नहीं है। कहा जाता है कि 1861 से लेकर अभी तक मोनाको उसका 20% जगह बढ़ाया गया है।